यह एक ऐसा समय है कि आपके पास समय ही समय है। जो चीज ज्यादा होती है तब उसका सही से इस्तेमाल नहीं हो पाता है, और शायद ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। जो समय का मोल समझते हैं, समय उन्हें अनमोल बना देता है। एक टॉपर से पूछा गया कि आप कितनी देर पढ़ाई करते हो। उसने जवाब दिया कि जब तक मेरे हर दिन का बनाया हुआ गोल पूरा ना हो, चाहे उस गोल को पूरा करने में सुबह का सूर्य ही क्यों ना निकल आए। इसी तरह आपको भी हर दिन का एक गोल सेट करना होगा और अपनी इच्छा शक्ति को भी मजबूत करना होगा। खुद को इतना मजबूत करना होगा कि चाहे जितना भी डिस्टरबेंस हो, किसी भी हाल में अपने गोल को पूरा होना चाहिए। जरा सोच कर बताओ कि तुम्हारे आज के दिन भर का क्या गोल है, कभी सोचा है? या फिर ये दिन भी ऐसे ही बिना प्लानिंग के ही गुजर जाने वाला है? अगर आपका भी कोई प्लान या कोई गोल नहीं था, तो मैंने आपको सबसे काम की चीज वीडियो के शुरुआत में ही बता दी है। अब बस आपको उस पर अमल करना है। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। और जब भी आपको लगे कि आप चारों ओर से घिर गए हो, और जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उस वक्त याद रखना कि यही वो मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। एक डायमंड जितना ज्यादा घिसता है, उतनी ही अधिक उसकी वैल्यू होती है। अगर आपकी परिस्थिति आपके खिलाफ है, तो याद रखना कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। जरूरत है तो सिर्फ आपके मेहनत और लगन की। हम सब में बचपन में एक आदत होती थी, जब बाजार में हम खिलौने के लिए जिद करते थे, मम्मी पापा के लाख समझाने के बाद भी हमें बात समझ में नहीं आती थी। और जब तक हम उस खिलौने को पा नहीं लेते थे, कोशिश ही करते रहते थे, सिर्फ कोशिश कि कैसे भी करके हमें वो खिलौना चाहिए, हमें ला कर दीजिए। तो शायद हमारा बचपन ही अच्छा था, कम से कम जिद तो थी किसी चीज को करने का, किसी चीज को पाने की और उसे हासिल करने की एक गोल तो था। किसी चीज को हासिल करने के लिए कम से कम हम विकल्प की तलाश तो नहीं करते थे और ना ही कोई सरल रास्ता खोजते थे। वही बचपन वाली जिद हमको फिर से अपने अंदर जगानी होगी। मन को नहीं कर देनी उसकी मनमानी है। खुद को याद दिलाओ, जो ठानी है वह ठानी है, जो करना है वह करना है, जो पाना है वह पाना है, और जो तुमको भटका रही है वो सारी बातें बेईमानी है। जब आप एक मिर्च का पौधा लगाते हो, तो वो कुछ ही महीनों में आपको मिर्च देना शुरू कर देगा, लेकिन वह पौधा इतना ताकतवर नहीं होगा कि लंबे समय तक जीवित रहकर वो आपको फल दे सके। लेकिन यदि आप आम का पेड़ लगाते हो, तो आपको 4 साल इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर वो आपको फल देगा। और वही 4 साल इंतजार करने के बाद वो आपको सालों साल फल देते रहेंगे। उसके बाद आपको फल मिलने शुरू होंगे और आपको यह पेड़ कई सालों तक फल देता रहेगा। तो याद रखिए, बुलंद हौसले खून में होते हैं, शक्ल में नहीं। किसी की परिस्थिति और शक्ल को देखकर उसके हौसलों का अंदाजा मत लगाओ। कुछ लोग शांत रहकर अपने अंदर तूफान लिए होते हैं। दोस्तों, अभी लॉकडाउन चल रहा है और सभी लोग ऐसे बैठे हैं जैसे समय यही रुक गया हो। और याद रखिए, समय नहीं रुका है, समय कभी रुकता भी नहीं है, वो चलता ही रहा है और चलता ही रहेगा, मेरा यकीन मानो। और यकीन कीजिए, जो इस समय भी आगे बढ़ रहा है, ना वो दूसरे के मुकाबले बहुत आगे निकल जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो इस समय पढ़ाई कर रहा है, वो दूसरों के मुकाबले बहुत ही आगे निकलता जा रहा है। माना कि वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल समय तो हर किसी की जिंदगी में आता है।
लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आप समय से हार मानकर बैठना है कि एक जिद के साथ खड़े होना है। तो अपने लक्ष्य को याद कीजिए और आज से एक गोल सेट कीजिए और अपने गोल को तय किए गए समय पर पूरा करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको दिन के अंत में कोई अफसोस ना हो कि मैंने आज यह गोल पूरा नहीं किया। याद रखिए, इस दुनिया में कुछ भी कर पाना इम्पॉसिबल नहीं है, बस आप पॉजिटिव सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर दे, ऐसी वीडियो में फिर लेके आऊंगी। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर आपको इस वीडियो में कही गई बातों ने आपका दिल छुआ है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए। सुनते रहिए ऑलवेज राइट्स।